So, dear students, now as you know that we are on the last chapter of your grammar book. So, again a composition topic, narrative writing is here. So, what is narrative writing? It is story writing, right? So, story writing is a great skill. A good story keeps us in suspense till last. तो जब हम स्टोरी लिखते हैं हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं लाइक फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन देना होता है कैरेक्टर्स के बारे में बताते हो आप सबसे पहले कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उसके बाद उन कैरेक्टर्स की जो भी क्वालिटीज होती हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं एंड आफ्टर दैट वो कैरेक्टर्स उस स्टोरी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं एंड एट लास्ट उन सब कैरेक्टर्स ने जो कुछ भी स्टोरी में किया उसका क्या कंक्लूजन आया वो आप स्टोरी में बताते हो तो इन सब से आपकी स्टोरी क्या हो जाती है बहुत इंटरेस्टिंग सो हियर आर सम एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग प्लॉट ऑफ द स्टोरी शुड बी वेल नेट मतलब अच्छे से तैयार किया हुआ ओके स्टेप बाय स्टेप कि पहले ये चीज होगी फिर ये इस तरह से हम स्टोरी की एंडिंग करेंगे So, plot of the story should be well-knit. Interest must be maintained throughout. ऐसा नहीं हो कि आपकी स्टोरी सुनते हुए या पढ़ते हुए रीडर का इंटरेस्ट खत्म हो जाए ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाए वो मेंटेन रहना चाहिए कैरेक्टराइजेशन शुड बी लाइफ लाइक ऐसे कैरेक्टर आप अपनी स्टोरी में डालें और उनका कैरेक्टराइजेशन आप ऐसा करो कि वो ऐसा लगे कि आप जब वो आपकी स्टोरी पढ़ रहे हो या कोई आपकी स्टोरी देख रहा हो या सुन रहा हो उसे ऐसा लगे कि वो स्टोरी में खुद ही है तो इट शुड फील लाइक लाइफ लाइक वन कैरेक्टर शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट होना चाहिए ओके और अलग अलग सबकी क्वालिटीज होनी चाहिए द बैकग्राउंड शुड बी इनहेंस द स्टोरी बैकग्राउंड इन स्टोरी को इनहेंस करने वाला होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि स्टोरी तो बहुत वाइब्रेंट है और बैकग्राउंड आपका बहुत लो है या स्टोरी बहुत लो पेस पर है और बैकग्राउंड आपका बहुत ब्राइट है सो इट शुड बी यूज टू इनहेंस द स्टोरी लैंग्वेज शुड बी ईजी एंड क्लियर आपकी जो लैंग्वेज है वो भी क्लियर होनी चाहिए ईजी होनी चाहिए And dialogue should be according to the education and background of the characters. A particular mood of the story should be created. Story ko padh rahe ho, particular mood create hona chahiye. Message of the story should be clear. Kya aap apni story ke through batana chah rahe ho, wo message bhi clear hona chahiye. Mostly stories are written in past tense. Bahut sari story jo hoti hai, kaafi had tak past tense mein likhi jaate hai. Jaise Once upon a time, there was a king. Once upon a time, the two friends, Ram and Shyam, were there. So, kaise start hoti hai? Past tense se. Choose a suitable title. Ek suitable title aapko choose karna chahiye. Now, kya outline? Aapko yahan ek story ki outline di hui hai. Outline means, kuch hints diye hue hain, jinse aapko एक स्टोरी बिल्ड करनी है किंग ब्रूस डिफीटेड इन अ बैटल हिड इन अ केव सॉ अ स्पाइडर ट्राइड टू क्लाइंब अप फेल एवरी टाइम ट्राइड अगेन एंड अगेन फेल एट टाइम सक्सीडेड इन द नाइंथ अटेम्प्ट किंग ब्रूस थॉट इफ अ स्पाइडर कैन व्हाई शुडंट आई फॉट अगेन वी गेन्ड हिज किंगडम आई होप कि आपको ये जो हिंट्स है इन्हीं से समझ आ रहा होगा कि कौन सी स्टोरी है राइट सो नाउ दिस इज द स्टोरी King Bruce was the king of Scotland. Okay, तो आप यहाँ notice कर रहे हो कि King Bruce was the king of Scotland. तो story कैसे चल रही है? Past tense में चल रही है. He was very brave and courageous. Once the English attacked his country, the king fought bravely but was defeated in a battle. He ran away from the battlefield and hid in a cave. One day he was sitting sadly thinking that he would never be able to make his country free. Suddenly he saw a spider. It was trying to climb up the wall. It tried many times but failed. The king thought that it would surely give up.
but it does not lose heart. At last, on the 9th attempt, it reached its destination. The king was highly impressed. He thought, if a spider can succeed by trying again and again, why shouldn't I? He called his army and fought once more. This time he won the battle and regained his kingdom. So what is the moral of the story? Try and try again until you succeed. So how do you like the story? Yeah, tell me, how did you find it? So now, expand the following outlines into a complete story. Also write its moral. आपको यहाँ पर ये कुछ examples दिए हुए हैं, आपको hints दिए हुए हैं, आपको इनको जोड़कर इनके help से एक story बनानी है और आपको उसका moral भी लिखना है, okay? A story should always have a moral, okay? A story should always have a moral. Moral जरूर होना चाहिए story में. So, the first one I read for you. A pretty princess with stepmother left in a forest to die, saved by 7 doves, lived with them. Stepmother came to know, tried to kill with poisoned apple. Dove thought she was dead. Put her in a glass coffin, handsome prince saw, kissed her, she revived, got married, lived happily ever after. This is a very famous story. I know that you must have known which story I'm talking about. So these are the two topic of the story. So you will write it and you will also write its moral. Now, attempt writing short story along these guidelines. Write an original short story concluding with the following lines. I just didn't know what to say in the space given below. Write an original short story entitled The Dark Room in the space given below, right? So, now narrative writing is clear to you. I hope that you will write both the stories with their morals. Now, we have a craft corner here. You have to make grammar scrapbook. Work in group of 5, follow the procedure given below and make a grammar scrapbook. So these are the things you would need, how to make a grammar scrapbook. Yahan par aapko hints diye hue hain. Tag pages of the scrapbook with different parts of speech as shown below, adverbs and adjectives. Now pick a newspaper or a magazine here, start the grammar hunt. Keeping one part of speech in mind, say adverbs. Start writing all the adverbs in the newspapers. Cut and paste them on the pages tagged as adverbs in the grammar scrapbook as given below. Now, comic strip you have to prepare here. Work in group of 4. Follow the procedures given below and prepare a comic strip. Things you would need, the list is here. How to make a comic strip? Imagine you have a robot friend. Write a conversation between you and your